समय का खेल ऐसा है न जाने किसको कहाँ मिला दे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि समय को स्वयं मालूम नहीं चला कि वो जिससे मिल चुका है उसे पुनः ऐसे मिलने वाला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ हम महाभारत के समय की बात कर रहे हैं, यानी हरीश भिमानी की। हरीश भिमानी को कौन नहीं जानता। हरीश भिमानी को लोग महाभारत की समय की आवाज़ के तौर पर पहचानते हैं, लेकिन हरीश भिमानी महाभारत से पहले ही कई सारी एड्स और धारावाहिकों में आवाज़ दे चुके थे। उनके इस करियर के शुरुआती दिनों में एक घटना घटी जो उन्होंने न कभी सोची न कोई सोच सकता है। ये घटना उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान साझा की यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल के शो द मुकेश खन्ना शो में। उन्होंने बताया कि आवाज़ की दुनिया में अपने करियर को बनाने के लिए जब वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन देने गए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। दूसरी तरफ वो MBA की पढ़ाई भी कर रहे थे, थोड़ी देर बाद जिसकी क्लास भी थी। अब वो असमंजस में थे कि क्लास अटेंड करें या फिर ऑडिशन दें, दोनों ही उनके लिए महत्वपूर्ण थे। इसके चलते उन्होंने लाइन में लगे लोगों को ये बात बताई और रिक्वेस्ट की कि उन्हें पहले ऑडिशन देने का मौका दिया जाए, लेकिन लोगों ने साफ मना कर दिया। आम तौर पर हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन तभी लाइन में लगे लंबे चौड़े शख्स ने कहा कि आओ मेरे आगे लग जाओ। इतना सुनते ही लाइन में लगे लोग विरोध करने लगे, तो उस शख्स ने फिल्मी अंदाज में कहा कि ये यहीं लगेगा और मैं इसके स्थान पर पीछे जा रहा हूँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हरीश भिमानी ने उन्हें धन्यवाद किया और ऑडिशन दिया। उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये बात आई गई हो गई। अब समय ने खेल खेला। काफ़ी समय बाद महाभारत के ऑडिशन चल रहे थे, उसी दौरान हरीश भिमानी वहाँ ऑडिशन देने आए। उन्होंने देखा वही व्यक्ति जिसने उनकी पिछली बार मदद की थी वो भी पुनः इंटरव्यू देने आया हुआ है। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, ये कोई और नहीं मुकेश खन्ना थे जिन्होंने महाभारत धारावाहिक में भीष्म पितामह का किरदार बहुत शिद्दत से निभाया था, और इसी धारावाहिक में हरीश भिमानी ने भी अपनी आवाज़ के जादू से शोहरत बटोरी। आज वो समय के नाम से मशहूर हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ऑडिशन में दोनों ही व्यक्ति सफल हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे फिर एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक आप चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियो भी देखें।